प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी असत्य पर सत्य के विजय का पर्व दशहरा हॉस्पिटल सेक्टर हुडको में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे रहे। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि आज के समय में भगवान राम के आदर्शों पर चलना हर इंसान के लिए जरूरी हो जाता है। इंसान अपने अंदर के रावण को मारेगा तभी श्री राम के आदर्शों पर चल पाएगा। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे भी विशेष रूप से शामिल रहे। राजा रावण अपने दरबार में पधार रहे हैं। हो हमारा वीर सैनिक तैनात है कि नहीं? समिति आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती है। तूने खरदूषण विराट को काल के हवाले करूंगा, याद रखना। तो हमेशा मैंने मन पर सादर आमंत्रित करती हूँ, आग्रह करती हूँ माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विजयदशमी हम सब बुराइयों पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की, अनैतिकता पर नैतिकता की जीत के रूप में मनाते हैं। राम और रावण दो चरित्र है। राम दल में सारे लोग मर्यादित आचरण अपने शौर्य धैर्य सदाचार और समाज हित के उद्देश्य में कार्य करने वाले लोग। स्वयं भगवान श्री राम जब युवा अवस्था में थे, जब उन्हें माता पिता से विश्वामित्र गुरु गुरुकुल ले जा रहे थे और ये बताया कि भाई गुरुकुल हमें शिक्षा भी देंगे और इनकी जरूरत है कि असुरों का ये नाश करेंगे, तो राजा दशरथ ने कहा था कि नहीं, इतने छोटे बालकों को ले जाने की बजाय आप हमारे पूरी सेना ले गए। लेकिन वो उन्हें ले गए और वही रामचरित्र है जो छोटे काल से लेकर के जब बड़े बदकबल उनका हुआ तब भी उन्होंने पूरे रास्ते में असुरों का विनाश किया। रावण के दल में सारे लोग, रावण खुद मायावी था, बहुरूपिया था, विभिन्न रूप धारण करता था। रावण का मामा मरीच जो सोने का मृग बन करके माता सीता को लुभा दिया था, अब सब जानते हुए के रूप का आदर, पिता का आदेश का पालन करना, मित्र सुग्रीव का साथ देना, राजा के रूप में क्या कर्तव्य हो, पूरा रामचरित्र जहाँ कर्तव्यों के मर्यादा में बंधा हुआ है, वहीं रावण का चरित्र अन्याय है, शोषण है, अत्याचार है और उन सब का संरक्षण जाता है। हम सब जानते हैं कि ये कागज का पुतला है, ये कुछ देर में जल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोग घंटों इंतजार करते हैं और इसलिए कि हमें इसको जलते हुए देखना है।
साल में एक बार सब लोग अपने अपने साधनों से आते हैं। हम लोग राजनीति के क्षेत्र में है, कार्य करते हैं, इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए साधन भेजने पड़ते हैं, लेकिन यही हमारी मूल आत्मा है, यह भारत की आत्मा है, जो किसी को पीड़ा देखते हुए किसी की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम लोग सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कि जो खलनायक रहता है, किसी को जब पीड़ा में सनातन धर्म को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता है लोगों में इस विचार को लेकर। वैसे तो ये पुरातन संस्कृति है, लाखों वर्ष की संस्कृति है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे बार बार खंडित करने का प्रयास करते हैं। पर जब इस तरीके का आयोजन होते हैं तो निश्चित तौर पर एक वातावरण सनातन धर्म के लिए बनता है, और सनातन धर्म पुरातन से चला आ रहा है सिर्फ दो चीजों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी परंपराओं के लिए, और निरंतर प्रगति कर रहा है। पहले लोग राम मंदिर के बारे में तरह तरह की बात करते थे, कितने वर्ष हो गए, और वर्षों बाद भी लोगों का ये कुछ लोगों का मत था देश के अंदर कि राम मंदिर में स्कूल बन जाना चाहिए, कॉलेज बन जाना चाहिए, मैदान बन जाना चाहिए। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, स्वयं सेवक, अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग, जो इस बात पर निष्ठा रखते थे, आस्था रखते थे, और ये मजबूती से कहते थे कि जहां रामलला का जन्म हुआ है वही राम मंदिर बनना चाहिए, और हम सबका संकल्प पूरा हुआ है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए विशेष तौर पर जिसने इस देश की कमान संभाली और पूरे देश में राममय वातावरण आज हम खुले आम जय श्री राम कहीं भी बोल सकते हैं, और राम मंदिर आने वाली जनवरी 24 को बनने जा रहा है, इसके लिए हम लोगों को एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के लिए भी जरूर बनाना चाहिए।